गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम शारदा प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, डिप्लोमा फिफ्थ सेम, और टॉपिक है सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच का फॉर्मूला। नाउ कंसिडर टू फ्रिक्शन सरफेस मेंटेन इन ए कॉन्टेक्ट बाय द एक्सियल थ्रस्ट कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल टी इज़ द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई क्लच एंड स्मॉल पी इंटेंसिटी ऑफ एक्सियल प्रेशर विथ विच इज द कॉन्टेक्ट सरफेस हेल्ड इन टूगेदर। आर वन एंड आर टू आर द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रेडियाई ऑफ द फ्रिक्शन फेसेस। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ, ये हमारा फ्रिक्शन प्लेट क्लच है जिसमें क्या ये हमारा फ्रिक्शनल सरफेस है जो डॉटेड है और यहाँ पे इंटेंसिटी का प्रेशर लग रहा है। ये सर्कुलर डिस्क की तरह होती है, ये हम कंसीडर किए डी आर एक थिकनेस का, ये इंटरनल रेडियस स्मॉल आर है, ये आर वन दिया हुआ है बाहर का और जो आर टू है वो अंदर का है, ठीक है वो स्मॉल डी है। द कंसीडरिंग द एलिमेंट्री रिंग रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस और फिक्शन सरफेस टू पाई आर इंटू डी आर और नॉर्मल और द एक्सियल फोर्स ऑन द रिंग डेल डब्ल्यू इज द प्रेशर इंटू एरिया स्मॉल पी इक्वल टू टू पाई आर इंटू डी आर। द फिक्शन फोर्स फिक्शनल फोर्स ऑन द रिंग एक्टिंग टेंजेंशियली एट द रेडियस स्मॉल आर। एफ आर इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल डब्ल्यू म्यू ऑफ पी इंटू टू पाई आर इंटू डी आर। द फिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग टी आर इज इक्वल टू एफ इंटू आर। तो टी आर एफ आर की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे म्यू पी इंटू टू पाई आर इंटू डी आर इंटू स्मॉल आर। तो टी आर इज इक्वल टू टू पाई म्यू स्मॉल पी आर का क्यूब इंटू डी आर। नाउ द कंसिडर द फॉलोइंग टू केसेज, फर्स्ट इज द यूनिफॉर्म प्रेशर, सेकेंड वैन द यूनिफॉर्म वेयर। वैन द प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर एरिया ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन पाई ब्रैकेट डिवाइड बाई पाई ब्रैकेट आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द एलिमेंट्री रिंग ऑफ द रेडियस स्मॉल r एंड थिकनेस डी आर इज द टी आर इज इक्वल टू टू इंटू पाई इंटू म्यू इंटू स्मॉल p इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। Integrating the equation of with the limit from the R2 and R1 from the frictional torque, the total frictional torque acting on the frictional surface on the clutch, so T is equal to R1 integration R1 से R2 2 pi mu into P R का cube into dr, so T is equal to 2 pi mu into P R1 divided by 3 ब्रैकेट आर वन आर टू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टू पाई म्यू पी आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब अपॉन थ्री। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल पी फ्रॉम द इक्वेशन, तो टी इज इक्वल टू टू पाई म्यू इंटू डब्लू पाई आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर इंटू आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब डिवाइड बाई थ्री। तो टी इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्लू आर, आर मीन्स रेडियस ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सरफेस। तो टी इज इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब। तो आर हमारा मी हो गया और आर ये हमारा आर मीन रेडियस ऑफ द सरफेस। तो टू बाई थ्री यहाँ पे म्यू इंटू डब्लू को रखेंगे वैल्यू को, तो वहाँ से क्या होगा म्यू डब्लू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा टू बाई थ्री और ये आर वन का क्यूब माइनस आर टू का क्यूब अपॉन आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। कंसिडरिंग द यूनिफॉर्म वेयर लेट स्मॉल पी द नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द क्लच। कंसिडरिंग द यूनिफॉर्म वेयर लेट स्मॉल पी द नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर to be distance small r from the axis of the clutch seems to be the intensity of pressure various intensity of the distance small p into r is equal to c
small p is equal to c divided by r. Normal force acting on the ring del w is equal to small p 2 pi r into dr. So del w is equal to p की जगह रखेंगे c upon r 2 pi r into dr. तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू निकलेगी, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई सी इंटू डी आर. टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रिक्शन सरफेस, तो कैपिटल डब्ल्यू आर टू से आर वन इंटीग्रेटिंग 2 पाई सी डी आर. तो 2 पाई सी आर, तो उसको सॉल्व करने के बाद आएगा आर वन माइनस आर टू. तो सी की वैल्यू आएगी कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में आर वन माइनस आर टू. फ्रिक्शनल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिंग टी आर इज इक्वल टू 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर इंटू डी आर. तो 2 पाई म्यू सी अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर. तो 2 पाई म्यू सी इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर. तो टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन द फ्रिक्शनल सरफेस टी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग आर टू से आर ऑन 2 पाई म्यू सी आर इंटू डी आर. तो 2 पाई सी आर बाई 2 का स्क्वायर आर वन आर टू. तो 2 पाई म्यू सी आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर बाई 2. तो 2 म्यू सी आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर. तो टी इज इक्वल टू पाई म्यू कैपिटल डब्ल्यू 2 पाई ब्रैकेट में आर वन माइनस आर टू इंटू आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का. तो 1 अपॉन 2 म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू टी का वैल्यू होता है म्यू इंटू डब्ल्यू आर. तो म्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आर वन प्लस आर टू बाई टू. तो ये हमारा टी का वैल्यू फाइंड होता है.